क्या तैयार हूँ मैं गाड़ी करवाने के लिए आपकी तैयार हूँ सही ना, गलती मान रहा है तो मैंने मानी, पर इतनी तेज गलती मान रहा हूँ मैं, कोई थोड़ी नहीं कह रहा हूँ मैं गलती मान रहा हूँ। इतनी तेज चलाने की जरूरत क्या है सर रोड पे, वो भी इतनी दूर इतनी जगह बच रही फिर भी तू ना। देखो आपके सामने बतेरी खींच के लेकर आया हूँ, आप देख रहे हो देखो ब्रेक कितने लग रहे हैं। गाड़ी कोई बात ना भाई, जो खर्चा आएगा वो बता दूंगा मैं, तेरे चिंता हाँ, भाजी वो बात तो मैं आपसे कह ही रहा हूँ। बस 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 ठीक है, मैं गलती नहीं मान रहा हूँ, जब तो मेरी गलती है मुझे, आप गलती नहीं मान रहे। मैंने भी तेरे हाथ बात तो ना उठाया, बस तो फिर देखा आप लोगों ने, देखा बहुत दिनों के बाद मैं भी कैमरे ने फेस कर रहा हूँ भाई, मेरी दाढ़ी वाड़ी देखना कितने बड़े हो गए। मैं तो एक छोटी सी गलती होगी जो तुम पूछ रहे थे ना कि भाई आप व्लॉग क्यों नहीं डाल रहे, वो गलती क्या थी कि मैंने ना दाढ़ी तो कर ली बड़ी और बाल कटवा लिए छोटे छोटे, तो मैं बहुत गंदा लग रहा था इसलिए मैं कैमरे के सामने नहीं आ रहा था। फिलहाल जो तुमने अभी वीडियो देखी है मस्त, क्या मस्त ठोकी है भाई गाड़ी, एक नंबर। मतलब मनीष ने ना ठोकी, जो भाई था जो उतरते ही कह रहा है कि भाई मैं भरूंगा मैं ये करूंगा, मतलब जितना भी खर्चा है भाई, खर्चा अगर उस तक भरवाते ना तो लगा लो हालत खराब हो जाती। देखो ये वाला है, ये जगह है जहाँ ठुकी थी, ये मोड़ है, ये बहुत खतरनाक मोड़ है। एक दो बार तो मेरा भी ऐसा होता ओड बचा है कि गाड़ी साइड आ रही है मैं साइड आ रहा हूँ, लेकिन हम भाई पक्के पक्के वाले ड्राइवर हैं, बहुत पक्के वाले, तो हमारी गाड़ी में तो कोई नहीं मार पाया। और मनीष ने जितनी भी गाड़ी है ना मेरे पास, देखो वैगनार तो ले गया, वैगनार भी शायद उसने छीली, सबसे पहले मेरे पास जो थी वो वैगनार थी, वैगनार तो भी पहले थी, वरना पार्टी सबसे पहले इसने, ठीक है, उसके बाद स्विफ्ट आई हमारे पास, स्विफ्ट इसने पाड़ी, और बीएमडब्ल्यू लेकर आया, बीएमडब्ल्यू इसने मारी, स्कॉर्पियो लेकर आए, स्कॉर्पियो इसने मारी, फॉर्च्यूनर लेकर आए, फॉर्च्यूनर इसने मार दी। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पर चलो अच्छी बात यह है कि गाड़ी में लग के रह जाओ तो कोई दिक्कत वाली बात ना है, अपने ये इंश्योरेंस किस काम के आए नहीं, किस काम आएंगे। तो अपनी गाड़ी फिलहाल रेडी हो चुकी है, मैंने फ़ोन करके पूछा तो कह रहे भाई आ जाओ ले जाओ, आज वैसे तो ईद है तो मैं सोच रहा था कि ना जाऊं, पर मैं कह क्या दिक्कत है चल देते हैं, नहीं हमें कौन सा, समझ रहे हो ना तुम। चलो तो अभी फिलहाल के लिए मैं निकल रहा हूँ। वो गाड़ी भी ना भिड़ती, मैं बताता हूँ क्या वो है, मनीष ने तो ऐसा खड़ी कर रखी थी, जो भाई थे ना जिसमें वो पिकअप सा था उसमें पीछे लकड़ी रखी थी, बहुत ज्यादा लोड हो रखी थी वो गाड़ी, तो जब उस भाई ने भगा कर स्पीड पे लेकर आ रहा था, अब जब स्पीड में चल रही थी गाड़ी और उनने देखी कि आगे एकदम था फॉर्च्यूनर है, तो ब्रेक मारे और वो ब्रेक मारते ही वो रिपटती ओड चली गई, मतलब जिस साइड एक साइड झोल होगा गाड़ी का, और वो रिपटती सीधी टक्कर बाजी अपनी फॉर्च्यूनर में। तो कोई बात ना, लग गई अब ठीक ठाक होगा। आ जाओ यार, देखो बस दिल बहुत ज्यादा दुख है, लड़के मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा रिलेट कर पाएंगे कि जब गाड़ी में हल्की सी स्क्रैच लगे या फिर ठुक जावे तो कितना बड़ा वो होता है, दिल दुखता है। पर चलो कोई बात नहीं, अभी फिलहाल के लिए मैं एक बार संदीप को ले लेता हूँ, फिर चलते हैं अपनी फॉर्च्यूनर के पास, फिर दिखाता हूँ तुम्हें कि कैसी कैसी करके दी है। मैंने ना देखी अभी तक, जब ये फ्लाईओवर बन रहा था ना तो भाई हमने इतनी खुशी हुई करती कि ओ अब तो ऊपर तक जाया करेगी पब्लिक, अब नीचे तो अपना गांव का रोड बिल्कुल खुला रहेगा, लेकिन उल्टा होगा, नीचे तो पूरा जाम रहे। इस फ्लाईओवर का हमने कोई फायदा ना हुआ क्योंकि हमने जाना पड़े हैं तो 7 किलोमीटर गांव, तो 7 किलोमीटर पीछे, फिर वहां तक गाड़ी फ्लाईओवर पे उतरेगी और गांव में उतरेगी भी ना, दूसरे गांव में उतरेगी आगे जाके, तो हमारा तो भाई नु लगा लो नाश कर दिया इस गांव का कि फ्लाईओवर बनेगा, नाम का फ्लाईओवर है। इसकी वजह से एक और दिक्कत भी आ गई जो अभी तुम्हें दिखाऊंगा, रोड पे ऐसा नहीं करता कि अपना जो नया रोड बना है वहां तो सीधा ऐसा कट था, सीधा घूम जाया करते, अब क्या कर दिया इन्होंने, वो प्लास्टिक के से भी ना रहे जो पुलिस वाले इनके वहां रहे रोकने के, स्टॉप करने के लिए कि गाड़ी वाड़ी यहां से नहीं भाई इस साइड से ले जाओ, अब ऐसा लंबी लाइन बना दी उसकी और आगे तो घुमा कर लानी पड़े, तो कोई फायदा नहीं हुआ यार हमारा, तो यहाँ खामोखा मार्केट की मार्केट ऐसी तैसी होगी और हम दुखी हो रहे हैं वो अलग। ये देखो हम यहाँ तो आए करते हैं और सीधा यहाँ तो मुड़ के चले जाया करते इस साइड से, ठीक है, अब इनने ये रख दिए प्लास्टिक के से, अब आगे तो जाओ घूम के और फिर मोड़ कर लेकर आओ, होगी ना खामोखा की परेशानी। पहुंचते ही अपनी गाड़ी के दर्शन हुए, पर पीछे तो हुए आगे तो ठुकी थी, तो अभी देखते हैं आगे जाके कि क्या सीन है क्या नहीं। ओहो गार्ड साहब आए आए आए, हाँ जी बाइक करके यहाँ लगा दी इसके पीछे सर, यहाँ पर तो गाड़ी टर्न लेती है आगे जाती है तो आगे सर लगा सकते हैं। अच्छा तो पीछे सर, अरे ऐसे मत करो, सही बात सलाम। लो भाई अब दिखाते हैं तुम्हें आगे का हिस्सा, ठीक है, ए ये लो लग रही है अपनी रानी टंच है, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा फर्क दिख रहा है कि यो जो है यो नया पार्ट डला है सारा, ठीक है, तो यो वाइट हो रहा है और बोनट भी चेंज हुआ है, क्या हुआ है, रिपेयर हुआ है,
भाई इसका मैं पूछूंगा कि चेंज कराया क्या कराया, लेकिन यहाँ पन्नी चढ़ रही थी जो हमने पीपीएफ करवा रखी है, तो इससे थोड़ा सा डल कलर हो रहा है ये, और ये पूरा वाइट चमक रहा। पता ना अभी इसका कुछ करवाना पड़ेगा, शायद इस पर भी पीपीएफ पन्नी वन्नी जो रह रहा है वो चढ़वानी पड़ेगी, उसके बाद इसका कलर सेम होगा। लेकिन वैसा तो देखो चमाचम हो रही है भाई, वो जो डिफरेंस दिख रहा है वो उसी की वजह दिख रहा है। पीपीएफ पूछा है ना, कह रहा भाई अगर अभी तुम पन्नी चढ़वाओगे दोबारा तो भी डिफरेंस दिखेगा, लेकिन कुछ दिन बाद जब वो पीली पड़ जाएगी पन्नी फिर सेम दिखेगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, अपनी को रेडी करवा दो, मैं भाई इसकी साफ़ सफाई करवाओ फिर मैं निकलता हूँ। जो बिल आया है वो आया है 3,59,415 रुपया, और अभी तो इस पर GST और टैक्स ये लगना बाकी है। अपनी ये रानी निकल चुकी है, ठीक है 75-34। भाई इस गाड़ी की होड़ नहीं होएगी, देखो अभी फिलहाल साइड में हमने कर्टन वर्टन कुछ भी ना लगा रखे, फिर भी देखो ओहो जेनुअन एक नंबर। अब इसे लेके जाऊंगा मैं, इसमें थोड़ा बहुत सा वो रहेगा क्या नाम है फेंडर वेंडर पता नहीं क्या रहेगा, वो करवा के मैं निकलूंगा, होगा एक मिनट का काम है। ये हमने पर्चे ले लिए हैं भाई, बिल ले लिया है इसका। ओ जी निकल गए अपनी फॉर्च्यूनर को लेके। भाई इसमें देखो एक चीज तो है, फॉर्च्यूनर में बैठने के बाद दबदबा थोड़ा अलग हो जाता है, और जब भगे हो तो ऐसा आवाज करे जैसे तो के फाड़ती ओढ़ जा रही हो, समझ रहे हो तुम। अभी से लेके जाते हैं सीधा घर, और हाफ इंजीनियर के हाथों में दे देते हैं कि ये लो इसे अब आराम से चलाना। मैं अभी नू सोचता उठ जा रहा था कि जैसे कि बिल आया है अभी 3,67,000 का, ठीक है 3,67,000 के आसपास, तो जो भाई जिसने ठोकी थी गाड़ी वो नू कह रहा था कि भाई मैं भुगतूंगा भाई पैसे, उतरते उसकी एक ही लाइन थी कि मेरी गलती है और मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। तो भाई 4,00,000 रुपया कहाँ तक देते हैं, नहीं तो सोचनी चाहिए यार। मैं भी वही चीज़ सोचता जा रहा, रोड पर जाता जाता खाली रोड पड़ा है तो दिमाग में आ गई, मैं कह रहा वो भाई नू कह रहा था कि मैं देऊंगा पैसा तो कहाँ तक देते कितने देते। पर चलो कोई बात ना, अपना काम हो चुका है, खाली रोड है, फॉर्च्यूनर गाड़ी है वो भी ऑटोमेटिक, तो भगाने में भी मजा आ रहा, पर मैं ज़्यादा भगा ना रहा, 60 चला रहा हूँ, 80 चला रहा हूँ लास्ट, पर इसमें पता ना चले कि 80 चल रही है या ना चल रही। क्या व्यू आ रहा है भाई, ऐसा ही व्यू मुझे गोवा में देखना है, तो बहुत जल्दी मैं हो सकता है गोवा चला जाऊं सिर्फ और सिर्फ इस व्यू को देखने के लिए। गाड़ी हो गई अपनी सोसाइटी में आ गए, बास्केटबॉल खेलने का मेरा मन कर रहा है, पर ये बच्चे हैं, बच्चों के साथ खेलने में मजा आएगा वैसे, पर बाद में खेलेंगे। चलो अभी फिलहाल एक बार हाफ इंजीनियर को बता देते हैं कि तुम्हारी गाड़ी आ गई है। ऐसे ही फॉर्च्यूनर तोड़ी थी रे मामा, पहनावा शर्म नहीं आवे थोड़ी बहुत है। भाई देख मैं बताता हूँ क्या हुआ, मेरी 1% भी गलती नहीं। कैसे तुझे भी पता, मैंने बता कैसे ना मम्मी, मैं घर से एक बात बताओ, इस तक गाड़ी ठुक गई यूं कर, मेरी 1% भी गलती नहीं। मम्मी एक बात बताओ, हाँ मैं मोड़ पे ऐसा मोड़ देख लिया, ऐसा खड़ी करके ऐसे मोड़ के खड़ा हूँ, सामने से गाड़ी आ रही है, अब जगह भी बच रही है, मैंने उसमें जो वीडियो बनाई उसमें दिखाई थी कि साइड में जगह बच रही, दिखाई थी साइड में जगह भी बच रही, मैंने कहा चल निकाल देगा भाई, अगर ब्रेक ना भी मारेगा कोई निकाल ले जाएगा। पहली बात तो ब्रेक लगा रहा था, तो मैंने सोची ब्रेक ही लगा रहा तो ठीक है, मैंने पीछे बना लिया इसलिए, बट मैं पीछे नहीं लेता। चल एक चीज सोच ले भाई, चल एक चीज बता मैंने, ठीक है जो तेने BMW ठोकी ट्रक थे उसमें किसकी गलती थी, ट्रक वाले की थी। अब छोड़ तू, अब आ जा स्कॉर्पियो पे, स्कॉर्पियो जो ठोकी वो उसमें किसकी गलती थी, उसमें भी उसी गलती। वेरी नाइस, और जो फॉर्च्यूनर ठोकी है उसमें किसकी गलती थी, उसमें भी उसी गलती। वेरी नाइस, और स्विफ्ट जो ठोकी थी उसमें किसकी गलती, जितनी भी गाड़ियां सारी देख भाई, हम देख सुन उसने खुद ही कह दिया सर मेरी गलती है, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, मानने के लिए तैयार हूँ। अच्छा एक बात होता, 4,00,000 का बिल आया भर देता फिर कोई, मुझे क्या पता था, मैंने तो सोची भाई जो है सोची कि 5,000-7,000 का खर्चा है, सेफ्टी तो है, क्या दिक्कत है। अरे पहनावा मुझे लगा कि भाई खर्चा तो आएगा, हाँ। पर ये ना लगा कि इतना आ जाएगा, इतना ही आता है भाई आता है। नहीं मम्मी इतना ही आता है, चल वो काट दे मेरे लिए पपीता काट दे। घर आने के बाद रोटी खा ली, और भाई अब ऐसे घेड़ सा हो रहा, नींद आ रही है कि सो जा रहा, मैं सोऊंगा सामने, मैं सोचूं कि ना सोऊं पर नींद ऐसी आ रही, पता ना दिन कैसे चल रहे हैं, तो नींद आ रही है, मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर, ठीक है फिर मैं उठूंगा रात ने बहुत ज़्यादा, रात ने कि हाँ रात ने उठूंगा 12-1 बजे से, फिर नींद ना आएगी, फिर रात ने फोन में लगे रहो, फिर अपने डार्क सर्कल कर लो, क्या करें
मजबूरी है पर ये नींद का ये नहीं जाती रे। कोई बात नहीं भाई, मैं सो जाता हूँ फिलहाल के लिए। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो उसको लाइक कमेंट से सब कुछ कर देना। मिलते फिर नई वीडियो में, टाटा बाय बाय।